मैं कुतुबुद्दीन, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीदर में मुनक्किद संविधान बचाओ प्रोग्राम में बी नारायण राव आरएसएस और बीजेपी को अपना दुश्मन कहा और अनंत कुमार हेगड़े को निशाना बनाया। हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है? इस देश में हमारा दुश्मन कौन है और हमारा साथी कौन है? इसका तय हम हद पर करना खाली भाषण करके घर को जाने के लिए यहाँ नहीं है। दुश्मन को आइडेंटिफाई करना और उसको खत्म करना वह तय करने के लिए हम है। हमारा दुश्मन आरएसएस और बीजेपी है। हमारा दुश्मन आरएसएस के भागवत है। आरएसएस के मुखिया भागवत हमारा दुश्मन है। वो आरएसएस वाले खत्म करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के सारे सिपाही सालार यहाँ पर आके मौजूद मैदान में खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में दिल्ली की पार्लियामेंट से वापस गुजरात भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री होके बाबा साहब अंबेडकर का संविधान को चलाने का काम तू करा, तू 2019 में फिर तेरे को दिल्ली के पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री के गद्दी से गुजरात के चाय होटल को भेजने की तैयारी है करने का। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को रबर स्टैम्प बताया और कहा कि सारा काम आरएसएस कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस का एजेंट कहा। और चाय बेचने वाले को हाँ भेजे तो फिर वो क्या करेंगे, इसको क्या करें? अरे मुझे तो खाली रबर स्टैंप है, ये सब चलाने वाला आरएसएस का मुखिया भागवत सब करता है, उसका एजेंट है, उसका मुनीम है उन्हें। और आखिर में सभी को कहा कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी और आरएसएस को हरा कर संविधान बचाए। भाई एमएलए बना मेरी क्या औकात है? मेरी क्या औकात है? दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी वर्ग बसों का लाल में एकजुट होकर मुझे आज असेंबली को भेजा है तो उसका श्रेय मुसलमानों को जाता, दलितों को जाता, पिछड़ा जनजाति लोगों को जाता। इसलिए दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी ये यक्का परेल का सरकार है।